हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, आज हम बात करने वाले हैं रेडमी के 30 अल्ट्रा के बारे में, जो बहुत ही ज़्यादा हाइप्ड फ़ोन है और इंडिया में आने के चांसेस अभी के लिए तो कम है, पर इन फ्यूचर मुझे लगता है शाओमी को अगर टिकना है इंडिया में तो इस फ़ोन को लॉन्च ज़रूर करना है। तो आगे चल के इस वीडियो में सारा कुछ इस फ़ोन के बारे में बताऊंगा और साथ ही रियलमी C12 का और एक विनर अनाउंस करने का रह गया था, वो भी आज ही अनाउंस कर दूंगा। तो वो रिज़ल्ट अनाउंस करने के बाद सारे गिव अवेज के रिज़ल्ट हो चुके हैं, अब कोई भी बाकी पेंडिंग नहीं है। तो आगे सितंबर में बहुत सारे गिव अवेज आएंगे मेरे चैनल पे, तो उसके लिए भी आप स्टे ट्यून करना। और सितंबर क्या अभी आगे ही गया, सिर्फ 2 दिन में ही सितंबर आ जाएगा, तो उसके लिए भी आप स्टे ट्यून रहना, बहुत सारे गिव अवेज आएंगे हमारे चैनल पे। और अगर आप इस चैनल पे नए हो, इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हो, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही हम वीडियोज डालते हैं आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और एक बात गाइज, हमने एक गेमिंग चैनल भी खोला है, तो वहाँ पे भी आप सब्सक्राइब बटन दबा दो अगर आप गेमिंग में इंटरेस्टेड रखते हो तो। और डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे सोशल मीडिया अकाउंट के लिंक मिल जाएंगे, आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो बहुत हो गया बातचीत, चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, ये रहा रेडमी K30 अल्ट्रा का बॉक्स, और सब कुछ चाइनीज़ में है क्योंकि ये चाइनीज़ वेरिएंट है, हम कुछ नहीं कर सकते। बॉक्स को मैंने ओपन अभी ऑलरेडी कर दिया है। वेरिएंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको 8GB रैम 512GB स्टोरेज का वेरिएंट आपको दिख रहा होगा। अब जल्दी से बॉक्स को ओपन करते हैं। तो ओपन करते हैं, आपको लिड मिल जाएगा, उसके अंदर एक सिम इजेक्टर टूल, कुछ डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ पे आपको एक अडेप्टर भी मिल जाता है टाइप सी टू 3.5mm जैक, और यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स है, और रेडमी ने 10 ईयर्स कंप्लीट किया है या कुछ ऐसा ही, तो वो सेलिब्रेट करते हुए ये फ़ोन लॉन्च किया गया है। और केस के बारे में बात करें तो अच्छा क्वालिटी का केस भी मिलता है, और चार्जिंग केबल भी आपको टाइप सी मिलता है, और उसमें भी आपको ग्रेडिएंट लुक मिलता है। चार्ज अडैप्टर के बारे में बात करें तो ये 33 वैट का चार्ज अडैप्टर है, जो आपके फ़ोन को 58 मिनट्स में पूरा चार्ज कर लेगा। अब आ जाते हैं फ़ोन की तरफ। तो फ़ोन का ये वेरिएंट बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, बहुत ही कमाल का लुक दे रहा है। और डिज़ाइन के बारे में बात करें तो रेडमी K30 प्रो जैसा ही लग रहा है, तो आप समझ ही रहे हो ना, सिर्फ नाम चेंज करके लॉन्च किया गया है और कुछ स्पेसिफिकेशन चेंज किया गया है, तो K30 प्रो जैसा ही लग रहा है, पर ये K30 अल्ट्रा है। तो गाइस, अब बात करते हैं इस फ़ोन के डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पे आपको 6.6 इंचेस का एक फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला AMOLED डिस्प्ले मिलता है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। तो ये बहुत ही ज़्यादा कमाल का रिफ्रेश रेट, और AMOLED डिस्प्ले सब लोगों को चाहिए ही चाहिए, तो ये एक अच्छी बात है। और डिस्प्ले की क्वालिटी के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे आपको एक सैमसंग वाला डिस्प्ले मिलता है, E3 सर्टिफाइड, और HDR10 प्लस का भी सपोर्ट मिल जाता है। तो डिस्प्ले के बारे में ये फ़ोन बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। और सॉफ्टवेयर के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे आपको MIUI 12 मिलता है, जो बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड है इस फ़ोन के लिए और स्क्रीन रिफ्रेश रेट के लिए, और यहाँ पे आपको एनिमेशन वगैरह बहुत ही स्मूथ मिलेगा, तो ये एक अच्छी बात है। और गाइस, इस फ़ोन में आपको AMOLED डिस्प्ले मिलता है, तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आपको अवेलेबल मिल जाता है, पर उतना ज़्यादा फास्ट नहीं है। यहाँ पे एनिमेशंस वगैरह थोड़ा सा आपको स्लो दिखाई देता है, पर अगर आप एनिमेशंस पे वगैरह बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो तो इस फ़ोन को आप ज़रूर से बाइक कर सकते हो। अब बात करते हैं इस फ़ोन के प्रोसेसर के बारे में। तो यहाँ पे आपको MediaTek Dimensity 1000 प्लस का प्रोसेसर मिलता है, तो ये भी बहुत ही फास्ट है, और ये आराम से आपका डे टू डे एक्टिविटीज़ कर लेगा आराम से मक्खन जैसा, और गेमिंग भी आपको आराम से फुल स्मूथ सेटिंग्स पे आप चला सकते हो। और अंतुतु स्कोर के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे ये स्कोर्स बहुत ही कमाल के हैं, ऑलमोस्ट 855 प्लस जैसा ही ये स्कोर्स आपको मिल जाता है, तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग रहेंगे कि वो बोलेंगे मुझे नंबर्स में यकीन नहीं है, एक्चुअल परफॉर्मेंस बताओ। तो पबजी के सेटिंग्स के बारे में बात किया जाए तो आप HDR तक खेल सकते हो अल्ट्रा पे रख के, तो ये भी बहुत ही सही है यार, पर आप अल्ट्रा HD नहीं खेल सकते, तो इससे भी आप समझ सकते हो कि ये परफॉर्मेंस में ये चिपसेट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी कोई भी आप गेम चलाओ तो ये एक अच्छी बात है। और अगर आप इतने हाई सेटिंग्स पे गेम खेलोगे तो आपका बैटरी तो चूसा जाएगा ही। तो बैटरी यहाँ पे बात किया जाए तो 4500 mAh की बैटरी मिल जाती है 33 वैट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ,
तो आपका बैटरी चार्ज भी बहुत ही जल्दी हो जाएगा। और Redmi ऐसा क्लेम करता है कि 58 मिनट्स में आपका बैटरी फुल चार्ज हो जाएगा, तो ये बहुत ही कमाल की बात है। अब आ जाते हैं इस फोन के मेन पार्ट के ऊपर, जो है इसके कैमरास। तो 64 मेगापिक्सल का आपको मेन सेंसर मिलता है, 13 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी मिल जाता है, 5 मेगापिक्सल का आपको टेलीफोटो लेंस मिल जाता है और उससे ही आप मैक्रो लेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर मिल जाता है। तो ये कैमरा सेटअप बहुत ही डिसेंट है और टेलीफोटो लेंस मिलता है तो बहुत ही अच्छी बात है। और पॉपअप मैकेनिज्म के बारे में बात किया जाए तो वहाँ पे आपको 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है, तो कैमरास के बारे में ये फ़ोन बहुत ही सही है। तो गाइज अब बात करते हैं रियलमी के C15 के गिव अवे के बारे में। तो यहाँ पे हमने ओपन कर लिया है यूट्यूब रैंडम कमेंट पिकर, तो आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो यूट्यूब URL और हैशटैग। अब दबाते हैं स्टार्ट बटन पर और देखते हैं किसने जीता है रियलमी C15। एक विनर हमने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है और ये दूसरा है, और देखते हैं कौन जीता है। और VM Arts ने जीता है एक रियलमी C15। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, आपका एड्रेस मुझे ट्विटर पर DM कर देना। और अभी गिवअवेज ख़त्म नहीं हुए हैं, सितंबर में बहुत सारे गिवअवेज आने वाले हैं। और गाइस Realme के C15 के गिव अवे को छोड़कर अब आ जाते हैं हमारी फ़ोन की तरफ। अब बात करते हैं इस फ़ोन के प्राइस के बारे में, और अभी तक बहुत लोगों को इस फ़ोन का प्राइस पता चल चुका होगा। और एक बार मैं बताता हूँ, चाइना में ये फ़ोन 25,000 के अंडर ही लॉन्च हुआ है, और अगर इंडिया में लॉन्च होता है तो 25,000 से 27,000 के बीच में हो सकता है। देखते हैं आगे क्या होता है, आपको मैं अपडेट करते रहूँगा। आप चैनल पर बनाई रहिए, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब बटन भी दबा दीजिए। तो गाइज ये सब थी इस फ़ोन की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और गेमिंग चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन बाय।